को बंद किया जाएगा कुछ वक्त के लिए। खबरों में बढ़ते आगे, खबर है मुरैना से, जहां हथियारबंद बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर जगदीश वर्मा बानमोर थाना क्षेत्र के सिंधिया मार्केट में डॉक्टर के क्लिनिक पर हथियार लहराते हुए आए और फरार हो गए। सिंधिया मार्केट में लगे सीसीटीवी अब पुलिस खंगाल रही है और सीसीटीवी की मदद से बदमाशों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। बदमाशों ने डॉक्टर को गोली मारी। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर जगदीश वर्मा, जिनका इलाज चल रहा है, अब सिंधिया मार्केट में लगे सीसीटीवी फुटेज पुलिस खंगाल रही है। बामोर थाना अंतर्गत सिंधिया मार्केट में जगदीश वर्मा BMS डॉक्टर है। ये लगभग 4:30 बजे की बात है, जब ये पेशेंटों को देख रहे थे तो दो अज्ञात युवक उनके द्वारा फायर आर्म से उनके ऊपर हमला किया गया है और जगदीश वर्मा आहत हुए, जिनको ग्वालियर रेफर किया गया है। ट्रॉमा सेंटर में इनका इलाज चल रहा है। घटना का कारण कुछ पता चला? घटना का अभी कोई स्पष्ट कारण नहीं आया है। अपराध पंजीबद्ध के उपरांत विधिक कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रीय राजमार्ग 44 मुरैना से ग्वालियर की ओर जाने वाले बानमोर कस्बे के बिल्कुल इस हाईवे किनारे बनी सिंधिया मार्केट में काफी प्रसिद्ध डॉक्टर जगदीश वर्मा को आज शाम 4:30 बजे अज्ञात दो बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां मारकर घायल कर दिया। काफी गंभीर स्थिति में उन्हें परिजनों द्वारा ग्वालियर इलाज के लिए ले जाया गया है। हम अपने दर्शकों को ये बता दें कि ये पीछे जो दो दुकानें बनी हुई हैं, इनमें डॉक्टर जगदीश वर्मा काफी लंबे अरसे से इलाज करते थे मरीजों का और काफी भीड़ यहाँ पर उनके पास रहती थी। इसी बीच आज शाम को दो अज्ञात बदमाश आए और उन्होंने दुकान के अंदर घुसकर मरीजों के बीच उन्हें ताबड़तोड़ गोलियां मारी, जो कि उनके बाईं तरफ सीने में एक गोली लगी, दूसरी बाईं जांघ में लगी है। गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए ग्वालियर ले जाया गया। जानकारी मिलते ही बानमोर थाना पुलिस मौके पर आई, लेकिन तब तक बदमाश फरार हो चुके थे। मरीज डॉक्टर जगदीश वर्मा काफी जीवन का संघर्ष कर रहे हैं और पुलिस सीसीटीवी के सहारे लोगों का पता करने की कोशिश कर रही है कि आखिर बदमाश कौन थे, किस बाइक से आए थे और उन बदमाशों की पहचान के बाद उनको पकड़ने का काम करेगी, लेकिन अभी तक बिल्कुल मामला शून्य बना हुआ है।